हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। सो गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं और बहुत ही अच्छे से हैं। बहुत जो भी बुरा वक्त था मेरा, वो थोड़ा सा मतलब सुधर चुका है, थोड़ा सही है, सही ट्रैक पर चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरी हूँ, तो थोड़ा समय मेरा अच्छा आया है, तो इसमें भी किसी का नज़र ना लग जाए। सो दोस्तों, मैं आप लोगों का नहीं कह रही हूँ, आप लोगों का नज़र लग जाएगा। जब आप लोगों को नज़र लगता तो मैं आप लोगों से बताती क्यों, और आप लोग तो हमारे फैमिली हो। एक ही इंसान ऐसा है कि हाँ, उसको हमारे खुशी नहीं देखा जाता है, और चलिए वो हटाइए। सो गाइस, मैं आप सबसे बता दूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं दो वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं तमिलनाडु में हूँ, तमिल लोगों में रह रही हूँ। और यहाँ पे अगर आप लोगों के कुछ देखना है जो यहाँ के नहीं है, और यहाँ पे अलग डिफरेंट कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं अभी घूमी ज़्यादा नहीं हूँ। अभी अगर आप लोगों की डिमांड होगा जो हाँ यहाँ के कुछ दिखाओ, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी, इसीलिए मैंने बता दी। और चलिए गुनगुन से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सो आज इस वीडियो में देखना, जिस वीडियो का थंबनेल मैं इस वीडियो में लगाने वाली हूँ, उसका थंबनेल वो वाला वीडियो देखना कि गुनगुन कितनी भोली बन रही है, कितने ड्रामे कर रही। ऐसे अगर भोलेपन अगर सीधा और अच्छे से रहे, अगर ये समझदारी जो अब दिखा रही अपने सासों को, सासू माँ को जो कह रही है टेंशन मत लो, आपके लिए पानी लाती हूँ, आप टेंशन मत लो, आप बीमार पड़ जाओगी, जो भी बातें हैं वो हम देख लेंगे, समर और मैं वो मतलब राधिका से बातें कर लेंगे, तो ये वाले अगर उस टाइम में दिक्कत नहीं होता समर गुनगुन को, समर के मम्मी से जहाँ नहीं तुम गांव जाओ, यहाँ पे नहीं रहोगी, मेरे मम्मी रहेगी, तो ये वाला आज ये ड्रामा जितना इन लोगों के घर में चल रहा, जो राधिका के मतलब राधिका का और ध्रुव का ज़िंदगी जो ख़राब हो गया, तो आज ये नहीं होता। और राधिका के लिए तो मेरे को नहीं लग रहा, इसलिए नहीं लग रहा कि राधिका जानबूझ के वो मना करती रही, वो आती थी, उसकी फ्रेंड थी, वो मना करती थी तो शादी मत कर, शादी मत कर। अभी कोई डिवोर्स नहीं हुआ था, जब भी उसने शादी कर ली, तो उसके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं है। जो ये ध्रुव का ज़िंदगी ख़राब हो गया, उसके लिए मतलब लगता है सीधा साधा अच्छा परिवार था और उसका ज़िंदगी ख़राब हो गया। और आज जो इन लोगों के घर में इतनी परेशानियाँ, इतनी दिक्कत, इतने टेंशन आ रहा, तो ये अगर गुनगुन पहले सही होती तो ये सारे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता समर भाई को, और सब खुशहाल परिवार होता। आज खुशी खुशी जो प्रेग्नेंट हुई है, तो आज जो टेंशन में रह रही है, तो खुशी खुशी उसके साथ बिताते लो, कितने खुशी का माहौल होता, कितना अच्छा होता। जो अब प्रेग्नेंट हुई है तो ये ड्रामे चल रहा, अगर पहले सही होती ये सारे इतने प्रॉब्लमें नहीं क्रिएट हुआ होता, तो ये सारे खुशी का माहौल होता। जो ये बच्चा आ रहा नन्ना सा बेचारा बच्चा, उसे कुछ पता नहीं है, और उसके लिए कितनी मजाकें बन रही है। गाइस, ये बातें मतलब बुरा मत समझना, एक औरत के लिए अगर ये बार बार एक ही बात को उंगली उठता है कि हाँ ये बच्चा किसका है, किसका है, तो अगर गुस्से में अगर हस्बैंड कह दे, ये गांव अड़ोस पड़ोस के या घर में के कोई ऐसी गुस्से में लड़ाई में अगर कह दे, तो बात को कितना बुरा लगता है। और उसके ऊपर तो बराबर सवाल हो रहा है कि हाँ ये बच्चा मेरा नहीं है, ध्रुव कह रही है मेरा नहीं है, समर कह रही है मेरा नहीं है, तो आखिर है किसका। और जब समर भाई के मम्मी कहती है गुनगुन को, तू तो बता दे सच्चाई, तुझे तो पता है, तो हर औरत को पता होता है कि बच्चा किसका है। और जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट रहती है तो उसे पता होता है कि बच्चा ये किसका है, और ये कोई औरत सुन नहीं सकती जो हाँ दोनों के दोनों कह रहे हैं मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। तो ये सैल्यूट है गुनगुन को कि इतनी सहन शक्ति है उसके अंदर और सह रही है, शर्म तो आ नहीं रही है ज़रा सभी, और सुन रही है,
कम से कम बता तो देती कि हाँ समर का ही है, कोई जो भी डिसीजन लेना है तुम लोग ले लो, ये झंझट खत्म करो, सुकून से रहो, चैन से रहो, मगर नहीं बता ही नहीं रही है, कबूल ही नहीं रही है, ना समर भाई को बोल रहे हैं ना वो को बोल रहे हैं ऐसा। और ध्रुत का तो हमने पहले ही से सुने थे कि हाँ उसका बच्चा, मतलब उसे टच करने में भी उसका फीलिंग नहीं था उसके अंदर, तो बच्चा कैसा हो सकता है जब फीलिंग ही नहीं था, समर भाई से फीलिंग था। तो चलिए गाइस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कोई नई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते हैं इनके घर में क्या होता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ के बारे में ज़रूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी।